शिवराज सिंह के नेतृत्व वाली प्रदेश भाजपा सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा नगर मंडल भेजदेही द्वारा स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता का आयोजन करा। सरकार के एक वर्ष की पूर्ण उपलब्धि आंचलिक पत्रकारों के समक्ष रखी गई। पत्रकार वार्ता को पूर्व विधायक महेंद्र सिंह चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह किलेदार, पूर्व नपा अध्यक्ष अनिल सिंह ठाकुर ने संबोधित किया। पूर्व विधायक महेंद्र सिंह चौहान ने वार्ता के दौरान बताया कि कमलनाथ के नेतृत्व वाली 15 महीने की कांग्रेस सरकार तबादला सरकार बन गई थी। अपने व्यक्तियों को स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जमकर तबादले किए गए। 15 महीने के शासन काल में शिक्षकों के जमकर स्थानांतरण हुए, जिनके शिक्षा पर भारी असर पड़ा और प्रदेश भाजपा सरकार के नेतृत्व में विधानसभा भेजदेही में किसानों के लिए सिंचाई हेतु अनेकों तालाब एवं डेमों का निर्माण किया, जो जनता भली भांति जानती है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनिल सिंह ठाकुर ने कहा कि कोरोना संक्रमण काल के समय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा सरकार के सामने प्रदेश को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना एक बड़ी चुनौती थी। उसे स्वीकार करते हुए कोरोना काल के दौरान अन्नदाता के खाते में बीमे की राशि डालकर अर्थव्यवस्था को धरातल पर लाने का प्रयास किया गया और गेहूं के समर्थन मूल्य की रिकॉर्ड खरीदी की गई। हरियाणा और पंजाब को पछाड़ते हुए प्रदेश देश के प्रथम स्थान प्राप्त कर किसानों के हित में संकटकालीन स्थिति में सराहनीय कार्य किया। जहां पर पत्रकारों के सवालों का नगर में पेयजल को लेकर श्री ठाकुर ने जवाब दिया कि नगर की पेयजल व्यवस्था को ट्यूबवेल पर आधारित है, जिसके लिए शिवगढ़ डैम का बनना जरूरी है। इस विषय को लेकर नगर के समस्त नागरिक एक मंच पर आकर सहयोग करें तो प्रयास सफल होगा। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह किलेदार ने कहा कि शिवराज के नेतृत्व वाली प्रदेश भाजपा सरकार ने जितने भी लोक कल्याणकारी योजना प्रारंभ की थी, कांग्रेस की 15 महीने के कार्यकाल में ठप हो गई थी। प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में आ गया था और कोरोना काल में भाजपा की सरकार बनते ही समस्त योजनाएं प्रारंभ हो गई, जिसे प्रदेश की आम जनता ने संतुष्टि जताकर राहत की सांस ली और भेजदेही नगर में शिवगढ़ डैम के लिए मैं संकल्पित हूँ। नागरिकों से आह्वान करता हूँ कि बगैर श्रेय की राजनीति से उठकर समस्त भेजदेही के नागरिक एक मंच पर आए, ताकि भेजदेही नगर के लिए पेयजल का स्थायी समाधान मिल सके। पत्रकार वार्ता में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ऋषभ दास सावरकर, भाजपा विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष अधिवक्ता संजय तिवारी और किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रमोद महाले, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष देवी सिंह ठाकुर, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष दिनेश वागत्री और नगर मंडल अध्यक्ष मनीष सोलंकी, मंडल उपाध्यक्ष राजू कुंभारे, महामंत्री केसर लोखंडे, दिलीप घोरे, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष संतोष पाल एवं नगर के आंचलिक पत्रकार अंकित राठौर, कमलेश कवाड़कर और साथ में गोकुल प्रसाद मालवीय, गजानंद असवार, मनीष राठौर, रामकिशोर पवार, सोहेब विद्यानी और शंकर राय, राजू धुले, योगेश सोनी उपस्थित रहे। आभार व्यक्त किया उसको व्यक्ति में जो खेली वगैरह है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी भारत की छवि बढ़ी है, भारत की छवि में इजाफा हुआ है। आज पूरे देश लोगों को लगता था भारत वैक्सीन नहीं बना पाएगा, लेकिन सबसे पहले भारत ने वैक्सीन बना ली और दूसरे देशों को भी मुफ्त में दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। पहले हम कटोरा लेके जाते थे, लोग आज हमारे पास कटोरा लेके आ रहे हैं। तो ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो ख्याति प्राप्त की है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आज उनके कारण भारत का सम्मान बढ़ा है। और इन एक वर्षों में भी भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर विकास के काम किए हैं। गोकुल भैया ने जो बात रखी बिल्कुल सही है। उस और भी जो कि शासन तो योजनाएं अपनी स्वीकृत कर देता है, लेकिन उसका क्रियान्वयन सही हो रहा है या नहीं हो रहा, इसकी निगरानी रखना भी हमारा दायित्व बनता है। तो हम लोग भी अपने दायित्व में यदि कहीं कमी होती है तो उसको निर्वहन करने का पूरा प्रयास करेंगे कि इस पर निगरानी रखें और जो काम समय सीमा में होना चाहिए उसके लिए शासन पर प्रशासन पर दबाव बनाकर काम कराने का प्रयास भी करेंगे। क्योंकि लेकिन आप लोग भी समय समय पर इस बात को संज्ञान में लाते हैं, उसके लिए भी आपका आभार, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी है। जनता यदि मौन है तो सब गतिविधि वैध अवैध गतिविधि संचालित होती है, लेकिन यदि जनता सजग है तो कई चीज़ों में रोक भी लग सकती है और कई चीज़ों का जो कामों में सुधार भी हो सकता है, उसके लिए हम सबको भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। इन एक वर्षों में अनेकों काम किए हैं,
हमारे बहन भैया भी है प्रदीप चाचा, निरंतर एक सालों में विकास के कार्य प्रारंभ किए, जो काम 15 माह के कार्यकाल में अपूर्ण पड़े हुए थे या जिस गति से माननीय शिवराज सिंह जी ने काम चालू किए थे वो गति पे ब्रेक लग गया था कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, लेकिन शिवराज सिंह जी के बनने के बाद पुनः वो काम प्रारंभ हुए और उसमें सबसे बड़ा संकट कोरोना का उत्पन्न हुआ। कोरोना के समय में आर्थिक संकट भी पैदा हुआ, राज्य में आय के स्रोत भी कम हुए, फिर भी सरकार ने किसानों के लिए निरंतर काम किया। फसल बीमा योजना की जो राशि कांग्रेस की सरकार ने फसल बीमा की राशि जो किसानों से ले ली गई थी लेकिन उनके खाते में जमा नहीं की गई थी, जिसके कारण हमको फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, उस राशि को 2200 करोड़ रुपये की राशि को प्रदेश सरकार ने सबसे पहले जमा किया और उसके कारण हम किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ मिला और उससे सभी किसान यहाँ से लाभान्वित हुए। मैं समझता हूँ कि फसल बीमा योजना में के पैसे आने से, प्रधानमंत्री सम्मान निधि आने से, मुख्यमंत्री सम्मान निधि आने से कोरोना काल में भी जो संकट आर्थिक अभाव किसानों को होता था वो अभाव उन्होंने महसूस नहीं किया। ये किसान से यदि हम पूछेंगे तो वो इस बात की सहमति जरूर देंगे कि हमको इस योजना से वास्तव में बहुत ज़्यादा लाभ हुआ और हमको जो आर्थिक परेशानी से जूझना पड़ता था वो परेशानी हमको नहीं हुई। ये प्रैक्टिकल है, हम यानी भाषणबाजी नहीं कर रहे, ये प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। और अभी आप किसी भी किसान से पूछेंगे तो यही बात बोलेगा। और आज हमने प्रदेश में जितनी भी गेहूँ खरीदी में हरियाणा पंजाब को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा गेहूँ मध्य प्रदेश के किसानों का खरीदा गया समर्थन मूल्य पे, और उसका ये हुआ कि आज मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में गेहूँ खरीदी में नंबर वन राज्य बन गया, पहले हरियाणा। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए भेज देही से अंकित कुमार राठौर की रिपोर्ट।